पूजा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पे पनीर कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं पनीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पनीर बनाने के लिए देखिए, हमने 1 किलो दूध बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है और दूध देखिए हमारा बॉयल हो रहा है। अब ये देखिए दूध हमारा बॉयल हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को 2-3 बार हम चलाएंगे, जिससे कि इसकी एयर जो है वो निकल जाएगी। इससे हमारा पनीर जो है बहुत अच्छा बनेगा। इसको 2-3 बार हम चला देते हैं। ये देखिए हमने 2 नींबू लिए हुए हैं और उसका मैंने रस निकाल लिया है, और 2 नींबू का जो भी रस, जितना भी रस निकला है उतना ही हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारा लेमन जूस तैयार है और हम इसको 1-1 चम्मच के द्वारा इसमें डालेंगे। एक साथ पूरा लेमन जूस नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके हम लेमन जूस डालते हैं। ये देखिए अब दूध को हम चलाते हैं, धीरे धीरे कर चलाते हैं। अभी हमारा दूध फटा नहीं है। इसमें लेमन जूस हम और डालते हैं। अभी भी देखिए दूध हमारा फटना स्टार्ट नहीं हुआ है। हम इसको चलाएंगे और इसमें हम फिर से लेमन जूस ऐड करेंगे। ये देखिए हम लेमन जूस ऐड कर देते हैं। अब देखिए हमारा दूध जो है फटना स्टार्ट हो गया है। उसको चलाते हैं, 2-3 बार इसको चलाते हैं हम। अब हम इसमें लेमन जूस और ऐड कर देते हैं। अभी देखिए हमारा दूध जो है पूरी तरह से नहीं फटा है, इसलिए इसमें हम 2 चम्मच लेमन जूस और डालेंगे। जो बचा हुआ लेमन जूस है हम पूरा डाल देंगे इसमें। अब देखिए इसको चलाते हैं हम। और देखिए ये दूध हमारा अच्छी तरह से फट गया है। ये देखिए हमने एक पैन में कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है और इसमें हम इसको छान लेते हैं। ये इसको हमने छान लेते हैं और इसके बाद इसको वॉश कर लेते हैं हम पानी से इसको। अब हम छेने को 2-3 बार अच्छी तरह साफ पानी से धो लेते हैं। धोते इसलिए हैं क्योंकि इसमें जो लेमन का फ्लेवर है वो ना आए, इसलिए इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लेते हैं। ये देखिए
अब देखिए इसको हम अच्छी तरह से पानी इसका निचोड़ लेते हैं, इसको पूरा अच्छी तरह से दबा दबा के इसको निचोड़ लेते हैं, और जितना भी पानी, अधिक से अधिक पानी जो है इसका निचोड़ निचोड़ के निकाल लेते हैं। और इसको फिर हम दो घंटे, ये देखिए इसको आराम से हम धीरे धीरे खोल लेते हैं, और ये देखिए हमारा कितना अच्छा पनीर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। आप देखिए ये एकदम मार्केट की तरह बना है हमारा पनीर, और इसका मार्केट से टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना है। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। पीसेस आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए हम धीरे धीरे सब पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए और इसके भी पीसेस कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा होममेड पनीर तैयार।